खबर हल्द्वानी से है, जहां आसपास के इलाकों में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक तरफ ग्रामीण इलाकों में खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं शहरी इलाकों में जलभराव से भारी नुकसान हो रहा है। पूरे जिले में 5 राज्य मार्ग समेत 39 सड़कें पूरी तरह बंद हैं। इसके अलावा गौला, नंदोर और कोसी नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। गौला नदी में 45,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है। उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा का कहना है कि राजस्व विभाग की टीम समेत पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिन स्थानों पर जलभराव हो रहा है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे हमें निरंतर बारिश होती है और आज भी रेड अलर्ट है, और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है उसके उसी के अनुसार यहाँ पे भारी बारिश भी होगी। और यहाँ पे रक्षा नाला, कलचिया नाला और जेठी नाले के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको निरंतर सचेत भी किया जा रहा है, और रात्रि में भी इनसे अपील की गई थी कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर। साथ ही अभी भी कहीं फिर नाला पर भी काफ़ी बंद है और ट्रैफिक बंद है, तो अभी भी अपील की जाती है कि अनावश्यक रूप से यात्रा ना करें और बहुत आवश्यक होकर भी यात्रा करें।